वेल फेक एड्स पर हम दो वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसी कड़ी में पेश है वीडियो नंबर 3। अब आपने बर्गर का एड तो देखा ही होगा, लेकिन उसकी रियलिटी ये है। पहले ये लकड़ी रखते हैं एंड उसमें बर्गर के अलग अलग कंपोनेंट्स को फंसाते हैं एंड फिर शाइनी लुक देने के लिए उसे वाटर कलर से पेंट करते हैं। एंड एज यू कैन सी, जैसे ही क्लिप्स को हटाते हैं तो हमें बर्गर बहुत ही मस्त तरीके से दिखता है एंड इसीलिए हमें बर्गर ज्यादा फ्लफी दिखता है रियल बर्गर के कंपैरिजन में। अब देखो, बच्चे हो या बूढ़े, पेस्ट्री और केक सभी को पसंद होते हैं, बट टीवी एड्स में दिखाए वाली ये केक्स और पेस्ट्री असल में शेविंग क्रीम होती है एंड डिफरेंस तो आप देख ही सकते हो। अब ये देखिए, जैसा कि हमने टीवी एड्स में देखा है सूप्स के वेजिटेबल्स को उड़ते हुए, तो वो कुछ ऐसे करके रिकॉर्ड होता है। अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वह केक के लिए क्रीम बनाई जा रही है। एक्चुअली एड्स में क्रीम कलरेंट और लिक्विड नेल से इसलिए बनाई जाती है जिससे कि वह ज्यादा लगे। इसी के साथ जो आप ब्रेड समझ रहे हैं वह असल में फोम है एंड अगेन फोम रखने का भी यही कारण है जिससे कि केक ज्यादा फ्लफी और बड़ा लगे। अब जरा स्ट्रॉबेरी को भी देख लीजिए। एक्चुअली स्ट्रॉबेरी को डार्क करने के लिए लिपस्टिक का यूज किया जाता है जिससे कि स्ट्रॉबेरी ज्यादा डार्क लगे। अच्छा, अब आपने कोका कोला का कमर्शियल तो जरूर देखा होगा, तो अब यहाँ पर देख लो वो कैसे शूट किया जाता है। अब सबसे पहले तो स्कैन को फिडजेट स्पिनर पर रखकर स्पिन किया जाता है एंड देन वाटर ड्रॉपलेट स्प्रिंकल की जाती हैं और बढ़िया से सिनेमैटिक शॉट्स भी लिए जाते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसको देख के तुम बोलोगे, क्या एड्स वाले ज्यादा पॉपकॉर्न भी नहीं खरीद सकते? तो मेरे दोस्त ये ऐसा इसलिए करते हैं जिससे कि पॉपकॉर्न बीच में से उठे हुए दिखे एंड ऑफ कोर्स ज्यादा लगे। देखो, जब भी किसी एड में स्नो दिखाई जानी होती है तो वो कभी भी रियल बर्फ का यूज नहीं करते क्योंकि वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, तो इसीलिए ये फेक आइस को बनाने के लिए ऑर्बीज का यूज करते हैं एंड ये दिखने में बिल्कुल रियल आइस जैसी होती है, बट डिफरेंस आप साफ देख सकते हैं। अब देखो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, चाय पर मोस्टली झाग नहीं आते हैं, तो ये एड्स में झाग दिखाने के लिए सोप के फोम को यूज करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। देखो इस एड में आपको अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसका कमर्शियल देख के आप समझ जाएंगे। एंड लास्ट शैम्पू के एड में जब बाल दिखाने होते हैं तो कुछ इस तरीके से ग्रीन स्क्रीन की मदद से बाल उड़ाए जाते हैं। कितना सेटिस्फाइंग एड है ना। अब देखो इसको एक्चुअल में कैसे शूट किया गया। सबसे पहले तो ये ऑरेंज पहले से ही कटा हुआ था एंड देन ये ऑरेंज जूस इंजेक्शन से प्रेशर लगाकर निकाला गया। नाउ लुक एट दिस, जब भी किसी पेड़ को उगता हुआ दिखाया जाना होता है तो एक्चुअल में सबसे पहले उसे नीचे खींचा जाता है एंड देन वीडियो को रिवर्स कर दिया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इस केक एड में आप देख सकते हैं कि उसको फ्लफी बनाने के लिए फोम का यूज किया गया है, ये देखिए। इसी के साथ जहाँ पर सैंडविच दिखाया जाना होता है तो वहाँ पर दो ब्रेड के बीच चीज को नहीं बल्कि स्लाइम को लगाया जाता है जिससे कि वो ऐसा लगे। नाउ एट लास्ट, कई फ्रूट्स के एड्स में फ्रूट के कलर को डार्क करने के लिए वाटर बेस्ड पेंट्स का ऐड किया जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस तिरामिसू के ऐड को अट्रैक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले तो ग्लास में नीचे ग्रेनोला को डाला गया है एंड देन उसके ऊपर रियल क्रीम को नहीं बल्कि शेविंग क्रीम का यूज किया गया है और फिर से रियल इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद शेविंग क्रीम का यूज किया गया है। एक्चुअली दोस्तों ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि रियल क्रीम नीचे बैठने लगती है लेकिन शेविंग क्रीम नीचे नहीं बैठती है जैसा कि आप देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, हुआ दिखे, इतना शानदार केक है इजंट इट, बट ये सिर्फ एक राउंड फोम के ऊपर कवरिंग की गई है। अब इस एड में देखिए दोस्तों, सबसे पहले ग्लू में पाउडर ऐड किया गया है एंड देन इसमें कलर ऐड किया गया है। इस पेस्ट को केक में क्रीम की तरह यूज किया जाएगा क्योंकि ये रियल क्रीम की कंपैरिजन में ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल एड, कितना परफेक्ट है ना। बट अब इसका बिहाइंड द सीन देखो, कैसे इसको नीचे स्क्रू की मदद से घुमाया जा रहा है एंड ऊपर से क्रीम डाली जा रही है। अरे वाह, चलो अब सब्सक्राइब कर लो। अच्छा सुनो, प्लीज बेल आइकन ऑन कर लो।